नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि की, और जो है 21 तारीख की रात 10:52 से शुरू होने वाली है, यानी चैत्र नवरात्रि। तो इसमें कंफ्यूजन भी है कि 21 तारीख को है, यानी 21 मार्च से है या फिर 22 मार्च से है। तो यानी कि प्रतिपदा तिथि जो है वो 21 तारीख के रात 10:52 से शुरू हो रही है, यानी 10:52 PM से शुरू हो रही है 21 मार्च को। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस समय जो चैत्र नवरात्रि है ये बहुत ज्यादा पावरफुल टाइमिंग है। इस टाइमिंग का उपयोग आप कैसे दुर्गा के 32 नामों से करेंगे, वो सारी चीज आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवरात्रि के शुरू दिन से ही अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन से जुड़ी हुई किल्लत जो है वो दूर होती है, और अगर कोई रुका हुआ कार्य है, व्यवसाय अगर नहीं चल रहा है तो इस समय विशेष उपाय कराना है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस समय हवन कराते हैं, दुर्गा पाठ कराते हैं और साथ में सहस्र नाम का अर्चन कराते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में इस समय विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोज इस समय दुर्गा के 32 नामों की माला जरूर कीजिएगा। यानी दुर्गा के 32 नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये पावरफुल है। तो जितना आप नाम जाप करेंगे, यानी इसको कब करेंगे, सुबह आप जब सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो सूर्य देवता को देखते हुए 32 नामों की माला को आप पाठ करेंगे, और आप संध्या के समय घी का दिया लगाएंगे और उसमें 2 लौंग जो है ना उसे घी में डुबो कर आपको एक पीले कपड़े में रख देना है। और इसके बाद संध्या के समय में आपको वो 2 लौंग जब आपने पीले कपड़े में चढ़ाए हैं उसे माता को आपको अर्पित करना है। उसके बाद आपको नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ये आप देखेंगे आपके पैसे की किल्लत दूर हो रही है, आपके जीवन से समस्याएं अंत हो रही है और साथ में खुशी आ रही है। ये 9 दिन ये विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से दोहरा दे रही हूँ, दुर्गा के 32 नामों की माला, यानी कि 32 नामों को आपको सूर्य को जल चढ़ाते हुए आपको 32 नाम पढ़ने हैं। उसके बाद आपको अपनी इच्छा भी बतानी है भगवान सूर्य देव को। इसके बाद संध्या के समय में 2 लौंग घी में डुबोकर आपको एक पीले कपड़े में आपको माता को अर्पित करना है, और उसी वक्त आपको 1 घी का दिया जलाना है, और जलाने के बाद आपको नवार्ण मंत्र जो होता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। क्लियर है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। तो इस मंत्र के जाप से आप ये पूरे 9 दिन करेंगे और दुर्गा के 32 नामों की माला करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं कि मैम इसे कर सकते हैं क्या, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, वो आपके मन में जमी हुई मैल को बाहर निकालता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो आपको गुस्सा आता है, आपको पुरानी बातें याद आती है, या फिर आपका मन अस्थिर हो जाता है। दैट मीन्स आपके अंदर कुछ जमी हुई नेगेटिविटी है जो पूजा और मंत्र से बाहर निकलती है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आप अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ अब आप कौन सा पूजा पाठ कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो भी मैं बताती हूँ वो सिद्ध मंत्र होते हैं जिसका जाप आप विशेष विशेष समय पर जरूर करेंगे, तो इसका और ज्यादा आपको लाभ और प्रभाव दिखेगा। इस उपाय से आपकी हर समस्या समाधान होती है, हर समस्या का। तो आप इसको कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मन की मनोस्कामना के अनुसार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप इसे लगातार 9 दिन तक करेंगे, 9 दिन के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसका चमत्कार क्या होता है। बहुत सारे लोग इसे जीवन भर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इन उपायों का शुरुआत भी आप चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आपको पीरियड्स आ जाती है तो बिल्कुल ना करें, लेकिन ध्यान रखिएगा सुनने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो उस वक्त अगर आपको पीरियड्स आ गई है तो 32 नामों की माला जरूर सुन ले, और माता की 40 का जरूर आप सुन ले, श्रवण कर ले। माता के और भी 108 नाम है, 1000 नेम्स है, ये सारी चीजें भी आप सुन सकते हैं, तो आपको जरूर इससे विशेष विशेष तौर पर लाभ होगा।
खास तौर पर आपको कपूर और लौंग को जलाना जरूर है इस समय में। घी का दिया जरूर से प्रज्वलित करना है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बरकत कैसे हो रही है। तो अब मत पूछिएगा कि इस चीज के लिए कर सकते, इस परेशानी के लिए कर सकते कि नहीं। आप किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए इस समय में विशेष उपाय को आप अपना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।